नमस्कार, मी विलास आडे, डीटी न्यूज मराठी मध्ये आपलं स्वागत आहे। नायगाव मतदार संघात आमदार वसंतराव चव्हाण यांची लोकप्रियता कायम। 2019 विधानसभा निवडणुकीत बहुमताने निवडून येणार काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा दावा। नांदेड जिल्ह्याच्या नायगाव मतदार संघाचे लोकप्रिय आमदार वसंतराव चव्हाण यांच्या मतदार संघामध्ये जनतेचा मूड काय आहे हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत। आता आम्ही नायगाव मतदार संघात पोहोचलोय, विविध स्तरातील लोकांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या, जनतेच्या मनात चाललंय तरी काय लोकांच्या प्रतिक्रिया आल्या। आमदार वसंतराव चव्हाण यांना लोकांनी 2019 विधानसभा निवडणुकीत परत एकदा सदनात पाठवण्याची तयारी दर्शवली आहे का, अपन जानू गया हमका स्पेशल रिपोर्ट। जी चव्हाण के इस निर्वाचन क्षेत्र में मैं पहुंच चुका हूं और तमाम जो लोग हैं मुझसे बात कर रहे हैं, जिस प्रकार का उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र के विकास की तमाम जो बातें की है, जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से विधायक जी ने तमाम जो बुनियादी सुविधाओं का जाल बुना है तो लोगों को काफी खुशी है। आने वाले दिनों में 2019 का जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता उनको फिर से चुनकर लाएंगे। मैं सर कुछ लोगों से बातचीत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस प्रोग्राम में। मुझे बताइए कि वसंतराव जी चव्हाण साहब जो विधायक है तो क्या क्या किस प्रकार से काम किए उन्होंने? हमारे नरसी नायगांव तालुके में नरसी गांव में रोड का प्रॉब्लम था, वो रोड पूरे 2019 के चुनाव के पहले पूरा काम होगा, पर ये सरकार भाजप की है। हमारे विधायक कांग्रेस के, विधायक कांग्रेस के होने से उनकी निधि कम गिर रही है, विधायक विरोधी पक्ष में इसीलिए निधि कम गिरी। इसीलिए वसंतराव चव्हाण साहब ने, हमारे आमदार साहब ने बहुत काम के पूरे रोड के पूरे काम हो। जी जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि क्या अनुभव रहा आपका ये पिछले चार साढ़े चार साल का? पिछले 10 साल की तुलना में ये 4.5 साल की अगर तुलना की जाए तो पिछले जो काम मंजूर हुए थे पिछली सरकार के कार्यकाल में, उसको चालना देने का कोई काम इस सरकार की तरफ से नहीं हुआ, निधि रोक के रखे हुआ है। और यहाँ पर जो जितने विकास काम हुए पहले के 10 साल के अंदर, आमदार साहब हमारे वसंतराव जी चव्हाण साहब जो है वो 10 साल से यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं पिछले 10 साल, और ये 4.5 साल दोनों का जो तुलना की जाए तो उसके हिसाब से जो 4.5 साल में जो काम पिछले सरकार के इसमें मंजूर हुआ उतना ही काम हो रहा है। और अभी का जो है जो नीति रोकने का काम इस सरकार का हो रहा है, और जहाँ पर हमारे काम है तो आधे अधूरे रुके वाले हैं। अभी इस साल के अंदर, इस सरकार के अंदर कोई विकास कामों के लिए ज्यादा चालना नहीं दी जा रही है। अच्छा, मला तुम्ही सांगा की एकूणच या 4-4.5 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये सरकारची जी भाजप सरकारनं म्हणजे कुठे कुठे जिथे तिथे काँग्रेसचं सरकार आहे किंवा काँग्रेसचे आमदार आहे तिथे त्यांनी निधी रोखलाय का? हो, बरोबर आहे। परिस्थिती अशी आहे की कोलंबी लिफ्ट इरिगेशन साहेबाच्या माध्यमातून काँग्रेस सरकारच्या वेळेस मंजूर झालेली लिफ्ट इरिगेशन आहे, त्याच्यामध्ये जवळपास 70-80 गावं एक लिफ्ट इरिगेशनमध्ये येतात। 1000 एकर जमीन या ठिकाणची बागायती होती, त्यावेळेस त्या सरकारनं, काँग्रेस सरकारनं मंजुरी दिली। त्याचं काम ज्या गतीनं चालायला पाहिजे त्या गतीनं यावेळेचं काम भाजप सरकारच्या माध्यमातून नाही, कारण या ठिकाणी आमदार साहेब हे काँग्रेसचे आहेत, आमदार साहेब काँग्रेसचे असल्यामुळं त्याने तिथं दुजाभाव करत आहे। आणि जे नक्की आहे की गेल्या वेळेच्या, यांनी म्हणल्याप्रमाणे गेल्या वेळेच्या सरकारपेक्षा यावेळेचं सरकारचं काम, आणि साहेब काँग्रेसचे असल्यामुळं आणि साहेबाची नाळ ही जनतेसोबत चांगली असल्यामुळं इथं डावलण्याचा कार्यक्रम चालू आहे। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि जो कोलंबिकी की परियोजना रही है उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और तमाम जो मामला रहा है 2019 का जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव, फिर से एक बार जिंदगी में वसंत आएगा और वसंत फूलेगा, तमाम लोगों की यही भावना रही। विधानसभा क्षेत्र में पहुंच होगा, तमाम जो बाजार यहाँ पे है लोग बातें कर रहे हैं कि फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार आएगी, और क्या लगता है जनता को, जनता का मूड क्या है मैं जानना चाहता हूँ। सर मुझे ये बताइए कि क्या फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार आएगी? आएगी सर जी। विधायक जी ने किस प्रकार के काम किए हैं? नहीं, विधायक जी ने अपने वसंतराव जी चव्हाण साहब जो विधायक है उन्होंने अच्छा काम किया, क्या आपकी मोहर दोबारा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तमाम जो अपनी पीठ थपथपा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको लगता है गलत बात है और कांग्रेस आएंगे? कांग्रेस। अच्छा, 2019 की निवडणूक परत जिंकणार? वक्त में नायगांव के इस बाजार में खोमचे वाले लोग हैं जो यहाँ पर तमाम जो मिठाई वाले हैं उनसे हम बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी पर खुश हो? नहीं, हम तो उसके ऊपर एकदम खुश नहीं, हम नाराज है। हमको जैसी मोदी सरकार है हमारे व्यापार के अंदर घाटा,
हमको कुछ खाने के लिए बहुत मजबूर हो गए हम। हमारी जो पहले की थी वो कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी थी, यानी सब गौर गरीब को लेके चलती थी उन्हें, इसलिए हम बहुत ही इसके अंदर है। लेने देने में कहाँ गए कि हमारा सब धंधा उल्टा हो जा रहा, कहाँ उधर गए पट्टी फिराने की कुछ भी नहीं साहब हमारे पास। ये आपको क्या लगता है कि 2019 का जो विधानसभा 2019 सुनिए तो क्या फिर से एक बार वसंतराव जी चौहान साहब विधायक बनेंगे? अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे उन्होंने। वसंतराव जी चौहान हमारे नायकों तालुके से बिल्कुल बनेंगे उन्होंने। हमारे विधानसभा चुनाव विधानसभा कार्यक्षेत्र में हमारे नेता आमदार वसंतराव जी चौहान साहब का नेतृत्व और उनका लोगों से जो रिलेशन है, मेलजोल काफी अच्छा है। मेलजोल जो हमारे नेता वसंतराव जी चौहान साहब का है, और गए 4 साल में और उससे पहले भी निर्दलीय यहाँ पर विधायक रहे जी, और उनका ये अभी 9 साल का जो उनका राजनीति का जो भी बड़ा लंबा सफर है, वो सफर में हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतने अच्छे काम हुए हैं कि उसका ख्याल जनता आने वाले दिनों में जरूर रखेगी और हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे नेता वसंतराव जी चौहान के साथ जरूर है। सर ये भी बताया जाता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खुद की पीठ थपथपा रही है, जैसा कि कर्ज माफ के मामला हो या फिर तमाम जो बातें रही है या फसल बीमा का विषय हो, तो क्या आपको लगता है जनता पर असर गिरेगा इस तमाम चीजों का? कर्ज माफी का जो मसला है और बीमा का जो मसला है, फसल बीमा ये कोई सरकार की देन नहीं है, ये खुद किसान जो बीमा भरता है, अगर उसकी फसल वो साल में वो समय में अगर ठीक से नहीं हो, अकाल गिला हो या ज्यादा वर्षा से फसल बर्बाद हो चुकी हो, तो अपने खुद बीमा भरने से पहले, खुद बीमा भरने के बाद ही किसानों को उसका मुआवजा मिलता है, उसका सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। और जो भी किसान बीमा नहीं भरेगा और उससे पॉलिसी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात कर्ज माफी की जो है, कर्ज माफी का जो हमारा सरकार ने जो फैसला लिया है, वो मेरे ख्याल से अब आपके टीवी के माध्यम से आप जैसे मेरी मुलाकात आप ले रहे हो, ऐसी अगर मुलाकात किसानों की अगर आप ली तो और आपको कर्ज माफी के बारे में और ज्यादा मालूम होगी, क्योंकि खाली ये हमारा सरकार का खाली आश्वासन हुआ है। अभी 4% तक कर्ज माफी बैंकों में नहीं हुई। इससे आगे जाकर आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जो किसानों की कर्ज माफी हुई है, ऐसा मैसेज किसानों के मोबाइल पर आया है सरकार की तरफ से, और जिसको मैसेज आया है वो किसान बैंक में गया, बैंक मैनेजर से मैसेज दिखाया कि भाई मुझे मैसेज आया है मेरा कर्ज माफी हुई क्या, तो मैनेजर परेशान हो गया, उसका रिकॉर्ड देख लिया तो उसकी कर्ज माफी वहां पर कुछ कर्ज माफी बीज माफी कुछ भी नहीं हुई। और 4% लोगों का जो भी 20% 20,000 का 25,000 का जो भी कर्जा था, वही कर्जा है यहां पर 100 में से 4 जनों का माफ हुआ है। हालांकि 100% कर्ज माफी अभी भी नहीं हुई, ये खाली फेक आश्वासन हमारा सरकार का है। तो फिर आपको क्या लगता है कि इसका खमियाजा 2019 के विधानसभा चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, सरकार अभी क्या कर रही है, जो आश्वासन दे रही है उसे पूरा नहीं कर रही है। हालांकि कर्ज माफी की मांग कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस विपक्ष में बैठा है और विपक्ष के हर एक विपक्ष की मांग होती है कि जो भी कुछ फैसले है वो लिए जाए। कांग्रेस का दबाव था इसलिए वो सरकार ने कर्ज माफी की, लेकिन उनको कुछ जरूरत किसानों की वहां पर मांग नहीं थी कि हमें कर्ज माफी चाहिए। इस यही हालात में दबाव में आकर उन्होंने कर्ज माफी की और कर्ज माफी नहीं हुई, इसलिए उनको बिल्कुल आने वाले चुनाव में फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि हालांकि किसान खुश होने के बजाय सरकार के बाजू में रहने के बजाय विरोध में चले गए। सर आखिरी सवाल यह है कि 2019 का विधानसभा लोकसभा चुनाव का क्या चित्र है आपकी कल्पना में? विधानसभा लोकसभा में, विधानसभा में तो हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में और 6 महीने बाद 8 महीने बाद चुनाव है, उससे पहले हमारी लोकसभा का चुनाव यहाँ पर है। और हमारे लोकसभा चुनाव में हमारे नेता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोकराव जी चव्हाण साहब ने नांदेड़ जिले में बहुत ही अच्छी तरह से राजनीति की है, आपको मालूम है।
हर एक फैसला हमारे नेता अशोक राव जी चौहान साहब लेते हैं। हमारे महानगर पालिका हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, नगर पालिका हो, 90% हमारे जिले में कांग्रेस के ताबे में है। और हमारा हर एक कार्यकर्ता अशोक राव जी चौहान साहब का आदेश मानने वाला है। और अभी 2 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, तो हमारा 1 साल से पहले लोकसभा चुनाव की रणनीति पूरी तय हुई है। हमारे बूथ कमेटी बनकर कम से कम 1 साल हो रहा है। बूथ कमेटी के बाद जो भी हमारे फ्रंटल के जो कमेटी है, अल्पसंख्यक है, महागास वर्गीय है, ओबीसी सेल है, महिला आघाड़ी है, वो हमारे जिले में तालुका लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर पूरे हो चुके हैं जी। और हमारा जो भी आने वाला एजेंडा हमारे चुनाव में विधान लोकसभा सभा चुनावों का है, वो पूरी तरह से हम तैयार है। और मोदी सरकार की जो देश में फेकबाजी चल रही है, उसको देश की जनता परेशान हो चुकी है। और आने वाले दिनों में हमारे नेता राहुल जी गांधी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कांग्रेस की यहाँ पर देश में बनेगी। और एक मजबूत सरकार हमारे देश के लिए अभी ज़रूरत है, और वही सरकार कांग्रेस देगी ऐसा मुझे लगता है। और पूरी जनता हमारे कांग्रेस के साथ यहाँ पर आने वाले चुनाव में रहेगी। धन्यवाद। बातम्यांच्या अधिक माहितीसाठी आमची वेबसाइट www.dtnewsindia.online वर आपण लॉग इन करू शकता। पुन्हा भेटूया विशेष बातमीपत्रामध्ये, तोपर्यंत नमस्कार। हे आहे DTV न्यूज नेटवर्क, आणि आपण बघत आहात DT न्यूज मराठी।